प्यारे बच्चों गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। बच्चों आज हम जो अपनी एक्सरसाइज करेंगे सोशल इमोशनल एथिकल लर्निंग के अनुसार वो करेंगे ग्राउंडिंग एक्सरसाइज। कौन सी करेंगे? ग्राउंडिंग एक्सरसाइज। आपको पता ना हमारे अंदर 5 सेंसेस होती है, yes, sir. ठीक है? Yes. तो उनको हम किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं और अपने आप को किस तरह प्रेजेंट मूवमेंट में ला सकते हैं हम इस वक्त क्लासरूम में, ठीक है ना? Yes, sir. तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, डीप ब्रीथ, लंबी सांस लेंगे। अब हम अपनी जो हमारी सेंस ऑफ टच उससे शुरू करें। टच थ्री थिंग्स अराउंड यू, जैसे डेस्क को टच करें एंड फील इट। इसको आप अपने आप में दिमाग में स्कैन करें, देखिए ठंडा लग रहा है, ऐसा फील हो रहा है, ठंडा है, अच्छा लग रहा है। आप अपनी बुक जो है उसके ऊपर हाथ लगाइए, ऐसा फील हो रहा है, ऐसा फील हो रहा है। इसी तरह आपके पास कोई पेन है, आप इसके ऊपर हाथ चलाइए, है ना? कोई भी चीज आप जो है उसके ऊपर हाथ चला सकते हैं, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है ना? तो इसके बाद हम जाते हैं हमारी जो सेंस ऑफ साइट हो, आप तीन डिफरेंट चीजों को देखिए तो उसको अपने दिमाग में डिस्क्राइब करिए। व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ दीज थिंग्स बाय, उनका हमारी जिंदगी के लिए क्या अहमियत है? हमारे पास टेबल है, डस्टर है, व्हाइट बोर्ड है, ध्यान केंद्रित कीजिए उनके ऊपर। इसके बाद हमारे जो सेंस ऑफ हियरिंग है उस पर चलते हैं हम। लिसन थ्री टाइप्स ऑफ साउंड्स जो हमारे एनवायरनमेंट में, जैसे साइड बाई से हमें आवाजें आ रही हैं, बारी बारी एक एक आवाज पे आप अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। कैसा लग रहा है? रिलैक्सेशन फील हुई? यस सर। टेंशन वेंशन दूर हो गई? यस सर। सीधे क्लासरूम में ही आप? यस सर। खुश हैं? यस सर। वेल थैंक यू।